ये नाहर फोर्ट हम एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर रंग दे बसंती की शूटिंग भी हुई थी। नाहरगढ़ फोर्ट के आगे खड़ी हूँ मैं, आपको भी दिखा देती हूँ। रश तो काफी है, टिकट काउंटर के लाइन और खड़ा हो रहा है। इंडियन टूरिस्ट के लिए है 50 रुपीज, स्टूडेंट्स के लिए 20 और विदेशी टूरिस्ट के लिए 200 एंड 100 फॉर स्टूडेंट्स। टाइमिंग 10 to 5:30। दुनिया का सबसे पहला शीश महल जिसका पूरा फर्श कांच का, रियल गोल्ड का काम। जितनी भी देर आप शीश महल में रहेंगे आप कांच पे ही चलने वाले हैं। वो शीश महल है सामने ऊपर। ओके। शीश महल से पहले आप देखेंगे रॉयल दरबार। ये दुनिया का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम जिसके अंदर जयपुर की रॉयल फैमिली है, 3 राजा लास रानी, गायत्री देवी जी का यंग ओल्ड वर्जन, 7 फुट 3 इंच महाराणा प्रताप, रियल गोल्ड का काम, दीवारों पे सोने की नक्काशी, पैलेस की तरह दिखता है ये पूरा। ये वाला जो वैक्स म्यूजियम पीछे देख रहे हैं ये है हॉल ऑफ आइकॉन्स। ऐसे वैक्स म्यूजियम आप बहुत देख चुके हैं, मैडम तुसौर, लोनावला, कैलकाटा, ऊटी, शिमला, सिडनी, लंदन, लेकिन ये दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम है जिसमें सेट स्टोरी कॉन्सेप्ट हैं। ओके, जैसे कल्पना चावला जी को देखने जाएंगे तो नासा के स्पेस शटल के अंदर खड़े रह के देखेंगे आप। फिर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, इंडिया गेट से वॉक शुरू करेंगे, राजपथ के लंबे रोड पर राष्ट्रपति भवन, एपीजे कलाम साहब के कैबिन में उनका स्टैचू। इस तरह के बड़े बड़े सेट्स दुनिया के किसी वैक्स म्यूजियम में नहीं है। ये तीनों की टिकट मिलाकर होती है 500 रुपीज पर पर्सन, एक आदमी का 500 रुपया। टिकट यहाँ से आएगी कैश कार्ड पेटीएम, एंट्री उस तरफ से होगी, एग्जिट होगी शीश महल से। ये इस समय पर लंच टाइम की बदौलत 40 से 45 मिनट का टूर है सिर्फ, लेकिन यहाँ वेटिंग बढ़ती है। शीश महल में हम सिर्फ 18 आदमी भेजते हैं ताकि आप कांच का फ्लोर अच्छे से देख पाएं, भले वैक्स म्यूजियम 100 लोग देख रहे हो। तो ये जो 100 और 18 का डिसबैलेंस हो जाता है यहाँ पर, उससे वेटिंग क्रिएट होती है शीश महल में। अभी ये 40 मिनट का टूर है, लेकिन इस 40 मिनट के टूर में कहीं पर भी फोटोग्राफी आपके मोबाइल पर अंदर अलाउड नहीं है। आपके हाथों में फ़ोन, टॉप पॉकेट में फ़ोन अलाउड नहीं है। पैंट के पॉकेट, पर्स, बैग में रखेंगे आप लोग। अंदर अगर आपको फोटोग्राफी करनी हो तो वैक्स म्यूजियम 1 और वैक्स म्यूजियम 2 में हमारे कैमरामैन क्लिक कर देंगे आपके लिए। शीश महल में कोई फोटोज़ नहीं होंगे आपके। अब ये जो फोटोज़ खींचेंगे ये चार्जेबल हैं, लेकिन 70-80-100 रुपए की फ़ोटो नहीं है, 16-17 रुपए की एक फ़ोटो पड़ती है 20-25 खींचे तो। ओके, मिनिमम व्हाट वी आस्किंग फॉर इज 8 फोटो एट ₹25 ईच। अब इसमें फैसिलिटी क्या है, आप लोगों ने खींचे 30 लिए 15, डिलीट 15 का चार्ज। ओके, ये सॉफ्ट कॉपी मोबाइल पे इमीडिएटली मिल जाती है, डेटा केबल ट्रांसफर। नाउ ये 500 के टिकट में ये बाहर की सारी एक्टिविटी फ्री है। स्क्रीन के नीचे एक पॉटर बैठा हुआ है, वहाँ पर आप अपने हाथ से अपना मिट्टी का बर्तन बनाइए, घर लेके जाइए फ्री। पेड़ के नीचे बग्घी के बगल में एक जादूगर है, उसको छोटे बच्चे का मत समझिए, दिमाग घुमा देगा 5 मिनट के अंदर। फिर पपेट शो पीछे, मॉन्यूमेंट पार्क है, हवा महल, जल महल, अल्बर्ट हॉल, अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट्स, ये सब बाहर का एरिया आपके मोबाइल के लिए है। वीडियो फोटो सब कर सकते हैं, इस तरह के व्लॉग्स भी बना सकते हैं। टिकट यहाँ से कैश कार्ड के लिए। इफ एनीबॉडी वांट्स टू हैव सम फन लाइक ओनली द एक्टिविटी, देन इज इट पॉसिबल? नो। ये टिकट के साथ हमारे गेस्ट, दिस इज कंपल्सरी टू टेक दिस टिकट। या ये क्या है, हमारे गेस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। जयपुर वैक्स म्यूजियम, जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको दी गई है वो इसी की है, बट हम नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शीश महल, हाँ, बावड़ी से इधर वाली बावड़ी तो है। हाँ, यहाँ पे बैठ के फोटोज क्लिक करवाई थी हमने, आई थिंक यहीं पे बैठ के। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है यार, ये बहुत स्लिपरी है। नहीं स्लिपरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पक्का। अगर मैं गिरी, नहीं गिरोगी ना? मैं गिरी, मैं तुझे लेके गिरूंगी लकी। अच्छा हाँ, यही तो जगह है जहाँ पे हमने फोटोज क्लिक करवाई थी। हाँ एग्जैक्टली यही तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये वो जगह है जहाँ पर शूटिंग हुई थी रंग दे बसंती की। अब लेना
हम लोग वहां तक गए थे आई थिंक इसी जगह पर आमिर खान ने कूदी मारी थी हाँ एग्जैक्टली इसी जगह यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा जयपुर दिखता है। मुझे इस जगह को देखकर याद आ रहा है हम कहीं से तो गए थे इस तरफ से बट समझ में नहीं आ रहा। लास्ट ईयर 2018 में जब मैं आई थी तो यहीं कहीं से रास्ते से गए थे बट आई थिंक सब कुछ बंद कर रखा है। नाहरगढ़ की बावड़ी, यह नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नालियों के मध्य छोटी छोटी हौदियाँ बनी हैं जो कचरे को रोककर जल को शुद्ध करती हैं।
जयगढ़ में। 2 घंटे बिताने के बाद अब हम निकल रहे हैं जयगढ़ के लिए। जा रहे हैं, बाय बाय। नाहरगढ़ के ब्लॉग के बाद जयगढ़ का ब्लॉग देखना ना भूलें।